हाँ तो दोस्तों, आज मैं डॉक्टर एडी गोयल आईएमपीसी क्लिनिक से दोबारा आपके सामने आया हूँ एक नई वीडियो लेकर। आज के वीडियो का शीर्षक यानी कि टाइटल है कि डिप्रेशन के क्या क्या टेस्ट होते हैं, ऐसे क्या टेस्ट हैं जिनको हम करके डिप्रेशन को डायग्नोज कर सकते हैं, या फिर जिस भी इंसान को डिप्रेशन की बीमारी हो गई है अगर वो डॉक्टर के पास में जाता है तो ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो करने चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि एक्चुअल में तो ऐसे कोई भी टेस्ट है नहीं जिनको करना बहुत ही आवश्यक हो, यानी कि अगर आप भी डिप्रेशन की बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं, अगर आप डॉक्टर के पास में गए हैं तो डॉक्टर आपसे बात करके क्लिनिकल इंटरव्यू जिसे कहते हैं, आपका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन यानी कि उस समय पे जो आपकी दिमाग की स्थिति है उसको बातचीत से ही जानकर ये डायग्नोज कर सकता है कि आपको डिप्रेशन की बीमारी है या नहीं है। तो उसके लिए उसे ज़्यादा टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर भी चलो, अगर हम माने कि हमें कुछ टेस्ट करने हैं तो वो टेस्ट कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले तो दोस्तों, ये रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है कि डिप्रेशन किसी हार्मोन की गड़बड़ से नहीं हो रहा है। जैसे कि कल के वीडियो में हमने बताया था हार्मोन क्या होते हैं। हार्मोन वो केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे शरीर से निकलते हैं और ब्लड में चले जाते हैं। ये थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स बनाता है, हमारे दिमाग के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन बनाता है, यहाँ पे सुप्रा रीनल ग्लैंड हार्मोन्स बनाता है। ये तीनों ही ग्लैंड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें से स्पेशली ये जो थायराइड ग्लैंड होता है, अगर ये थायराइड के हार्मोन को कम निकाल रहा हो ब्लड में, तो जिसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, या फिर थायराइड की मात्रा ज्यादा हो, इन दोनों ही स्थितियों में डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि थायराइड हार्मोन की मात्रा कितनी है। दूसरा, मैंने बताया सुप्रा रीनल ग्लैंड, ये जो किडनी है, किडनी के ऊपर लोकेटेड होती है सुप्रा रीनल ग्लैंड, इससे स्टीरॉयड हार्मोन निकलते हैं। तो ये स्टीरॉयड हार्मोन अगर ज्यादा हो जाते हैं तो उसे कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। तो इस अवस्था में भी डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है, हमें स्टीरॉयड हार्मोन की मात्रा देखने की जरूरत पड़ सकती है, या फिर वो ऐसी चीजों को नोटिस करने की जरूरत पड़ेगी जिससे जो स्टीरॉयड हार्मोन के ज्यादा होने से हो जाती है। मतलब डॉक्टर के ध्यान में ये पॉइंट जरूर रहना चाहिए। तीसरा जो है, हमें विटामिन डी के लेवल्स जानने की जरूरत पड़ सकती है, अगर विटामिन डी के लेवल्स कम हो तो डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में बाधा आती है। इसके अलावा अगर अगर हमारे शरीर में इन्फेक्शन है जो लंबे समय से चली आ रही है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, स्पेशली साइफिलिस जैसे इन्फेक्शन है जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होती है, सेक्स द्वारा ट्रांसमिट होती है, इस तरह की इन्फेक्शन है, तो उनसे भी डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा और क्या चीज़ों से डिप्रेशन हो सकता है? अगर हमारे ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर कोई ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, उससे भी डिप्रेशन हो सकता है। अगर हमारे दिमाग की किसी नस में ब्लॉकेज हो गया, जिसे स्ट्रोक कहते हैं, जिसे लकवा होता है, पैरालिसिस हो जाता है, उससे भी डिप्रेशन हो सकता है। अगर हमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी या फिर पार्किंसनिज्म नाम की बीमारी हो गई है जो कि दिमाग से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, तो भी डिप्रेशन हो सकता है। तो हमने देखा डिप्रेशन के ऐसा अपने कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन हमें बाकी बीमारियों को देखने के लिए टेस्ट करना होता है, कहीं डिप्रेशन किसी और बीमारी की वजह से तो नहीं है, जिसमें थायराइड की बीमारी, स्टीरॉयड कुशिंग सिंड्रोम की बीमारी, या फिर दिमाग में ट्यूमर की बीमारी, या फिर पार्किंसोनिज्म की बीमारी, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस, या फिर किसी प्रकार की इन्फेक्शन की बीमारी, तो ये होते हैं। इसके अलावा अगर साइकैट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट आपके कुछ टेस्ट करना चाहे तो हमारे पास में कुछ ऐसी इन्वेंट्रीज होती हैं। ये टेस्ट जो होते हैं सवाल जवाब के रूप में होते हैं, या तो ये आपको डायरेक्ट दे दिया जाता है, आप सवाल पढ़ते हैं उसका जवाब देते हैं, या फिर जो डॉक्टर होता है वो आपसे सवाल पूछता है और उनके जवाब भरता है। इन्हें इन्वेंट्रीज कहते हैं, इन्हें स्केल्स कहते हैं, इनसे भी डिप्रेशन को देखा जा सकता है। सबसे कॉमन इन्वेंट्रीज जो इस्तेमाल की जाती हैं वो बेक डिप्रेशन इन्वेंट्री है, या फिर हैम डी हैमिल्टन डिप्रेशन इन्वेंट्री होती है, उसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं बहुत ही सिंपल सी बात करूं तो ये मेरी खुद की वो है कि अगर इन दो प्रश्नों को ही पूछ लिया जाए कि क्या आप पिछले महीने में आपका मन जो है ज्यादातर समय उदास रहा है, और क्या उसके कारण से आप परेशान रहे, पहला सवाल। अगर इसका सवाल हाँ है तो दूसरा सवाल, क्या
आपकी पिछले महीने के अंदर कामकाज में रुचि खत्म हो गई है? दूसरा सवाल, अगर ये दोनों सवालों का आंसर यस है तो ये काफी चांसेस हैं कि आपको डिप्रेशन की बीमारी हो गई है। मैंने आपको दो सवाल बताए, इन्हें ध्यान से नोट कर लीजिए, ये बहुत जरूरी सवाल है। पहला सवाल, क्या पिछले महीने के अंदर आपका मन उदास रहा है और आप उस उदासी के कारण परेशान रहे हैं? दूसरा सवाल, क्या आप पिछले महीने में आपके कामकाज में या फिर रोमांचक चीज़ों में रुचि कम हो गई है, इंटरेस्ट कम हो गया है? अगर इन दोनों सवालों का यस है तो पॉसिबल है कि आपको डिप्रेशन की बीमारी हो गई है। हम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम आपको बता सकें, अगर आपको डिप्रेशन हो गया है तो असहाय बिल्कुल फील मत करें। आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारा फ़ोन नंबर नोट डाउन कीजिए, हमारी वेबसाइट नोट डाउन कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 9031913191। हमारी वेबसाइट है www.impc.in। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो दिल्ली में हमारा क्लिनिक जो है वो मयूर विहार और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में लोकेटेड है। उसके टाइमिंग्स हम आप हमसे व्हाट्सएप पे या फोन पर प्राप्त कर सकते हैं। ओके दोस्तों, देन गुड बाय, हम कल दोबारा मिलेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके।